तो आज हम अपनी इस क्लास में बात रिकॉर्डिंग इन करने जा रहे प्रोग्रेस। हैं नंबर एंड कस्टम फॉर्मेटिंग की। उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं, आप कुछ भी नंबर टाइप करते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए 8 to 10। और टाइप करने के बाद हम जाते हैं नंबर में, तो नंबर में यहाँ पे हमारे पास नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम्स आपको दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले जनरल में, जनरल का मतलब ये हुआ जैसा आप टाइप करें वैसा हो जाएगा, जैसा ही टाइप कीजिएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंट। फिर वापस नंबर पे आते हैं, तो नंबर पे ये होता है कि आप इसमें कितने ये देना चाहते हैं, मतलब कि इसमें आप कितने डेसिमल प्लेसेस देना चाहते हैं, 1000 सेपरेटर देना चाहते हैं या 1000 सेपरेटर है, और नेगेटिव हो तो क्या हो। फिर करेंसी में आप आइए, तो करेंसी में क्या होता है, करेंसी का सिंबल होता है कि आपका करेंसी किस तरह का सिंबल होना चाहिए, आप सिंबल यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी का सिंबल यूज करते हैं, बट अकाउंटिंग में एक यूज हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ नंबर्स लाते हैं। यहाँ अब यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले में कहीं कहीं पे 0 डाल दीजिए, डालने के बाद अकाउंटिंग में जाके डॉलर को साइन करेंगे तो वो डैश आ जाएगा। हाँ, डॉलर नहीं नन, यहाँ पे नन। हाँ, नन डालिए। हाँ, ये आपके हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने कोई डेट यहाँ डाल रखा है, डेट, अगर आप नंबर में जाते हैं और डेट का अपना अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं वो चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपने टाइम डाल दिया तो टाइम का भी अपना फॉर्मेट है, आप यूज कर सकते हैं अपना टाइम का जो भी फॉर्मेट है वो, तो टाइम का फॉर्मेट यहाँ लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री के टाइम फॉर्मेट है, परसेंटेज वही होता है। फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2.5 है, और आपने 2.5 लिया, और यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस में अगर आपने यहाँ पे हाफ लेवल कर दिया एंड ओके कर दिया तो 1/2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शंस है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे चेक नंबर लिखना है, और चेक नंबर में मुझे अगर कभी कभी क्या होता है कि 0 के साथ लिखना होता है तो 0 एक्सेप्ट नहीं होता है, तो यहाँ सिंगल कोट डालिए 1, 2, 3, 4, 5 जो भी 0 दे रहा है 0 एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात आती है इसमें कि अगर इस पूरे कॉलम में मुझे चेक नंबर ही डालने हैं तो क्यों ना हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में इसको टेक्स्ट कर दें, हाँ टेक्स्ट कर दिया, तो फिर इसमें ऑटोमेटिकली हमारा सिंगल कोड डालने की जरूरत नहीं होगी, ये 0 एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे कुछ भी आप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, तो फॉर्मूला आपका लग तो जाएगा बट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, हो गए। अब इसमें अगला ऑप्शन ये आता है कि मुझे किसी ने चेक नंबर भेजा है लेकिन उसने 0 एक्सेप्ट नहीं लगाया हुआ, तो मैं चाहता हूँ इसमें 0 लगाना, तो कस्टम में आइए, यहाँ इसको कस्टम में आइए, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 है ना, हाँ 6 0 डाल दीजिए, तो ये 0 मेंटेन कर लेगा। बट इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं सिंगल कोड में सॉरी 0 0 0 5 2 0, अब मैं इसको इग्नोर कर दूँ यहाँ से, तो अब देखने में दोनों एक जैसा है, लेकिन अगर दोनों को मैं इक्वल करता हूँ यहाँ से और इसको इक्वल करता हूँ तो दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 5 2 है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपके विजिबिलिटी को चेंज नहीं करता है, सिर्फ ओरिजिनलिटी को चेंज करता है, ठीक है मैम। इस कारण से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ओरिजिनल चाहिए ताकि हम अप्लाई कर सकते टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मूला लगाइए, टेक्स्ट इनवर्टेड कॉमा में 0 0 0 0 0 0, आ गया। अब यहाँ पे आप जितना सीरीज चाहिए आपको आप उतने नंबर जीरो डाल दोगे, चाहिए यहाँ ट्रू हो गए। अब इसमें चलिए और भी करते हैं, जैसे मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, बट मोबाइल नंबर में मैं +91 लगाना चाहता हूँ,
पर प्रॉब्लम क्या होता है कि प्लस 91 लगाएंगे तो प्लस से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो इसको फॉर्मूला समझेगा और इस तरह का साइंटिफिक फॉर्मेट में दे देगा। या फिर किसी ने सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिख के भेजा हुआ है लेकिन मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ प्लस 91 के थ्रू, तो कस्टम पे यहाँ आएंगे और यहाँ पे करेंगे प्लस 91 और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस यहाँ पे देखिए। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे आईडी नंबर है और आईडी नंबर में चाहते हैं कि डैश लग जाए, तो कस्टम में आते हैं और यहाँ पे हम 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए मैं अकाउंट नंबर यहाँ डालता हूँ, तो अकाउंट नंबर में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 11 डिजिट तक डाल दिया तो ये शो कर रहा है, लेकिन 11 डिजिट शो करेगा, जैसे 11 डिजिट ज़्यादा डालेंगे वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। जी हाँ, साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। मैं चाहता हूँ ये साइंटिफिक फॉर्मेट में ना जाए, मुझे यहाँ पर दिखे नंबर राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट से सारा कुर्सी अरेंज करो, कस्टम पे कुछ नहीं करना है, बस एक जीरो या हैश दे देना है ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आप सिर्फ 15 डिजिट तक ही शो कर सकते हैं, 15 डिजिट के बाद जैसे मैं मान लीजिए ना यहाँ पे 8 कर रहा हूँ तो 8 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 8 8 यहाँ पे दो बार 8 8 कर दिया या कुछ और नंबर दे दिया, जितना ही नंबर ज़्यादा डालोगे उतना जीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एक्सेल में 15 डिजिट की कैलकुलेशन की ही कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा की कैलकुलेशन ये नहीं कर पाता है इस कारण से। 15 डिजिट मतलब हमने 17 डिजिट का कोई नंबर डाला तो 15 के बाद जो भी हम नंबर डालेंगे वो जीरो आ जाए। लेकिन आपको विजिबिलिटी के चाहिए, कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो सिंगल कोड में डालिए। अब इसमें आप 32,767 नंबर डाल सकते हैं, सिंगल कोड लगा दिया था। ये ऊपर कॉमा डालने के बाद कितने डिजिट डाल सकते हैं? 32,767 ओके। अब जैसे कि यहाँ बात आती है कि मुझे क्या इसके साथ कुछ ऐड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम होती है, जब जीरो डाल दिया 0 0 हो गया, तो यहाँ पे हम जीरो अगर मैनेज ना करना हो लेकिन प्लस 9 लगाना हो तो जीरो के जगह पे हम हैश का यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हैश जीरो का फंडा क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1500 लिखा लेकिन मैं चाहता हूँ MRP 1500 इस तरह से, लेकिन मैनुअल करने के बाद इसमें मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, सो मैनुअल मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है जिसे शो भी करे और कैलकुलेशन भी हो। तो यहाँ कस्टम पे हम जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में MRP देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे MRP, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इन्वर्टर को हम MRP दे देते हैं, सिर्फ MRP शो होगा, आपका डेटा शो नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपका डेटा शो हो तो MRP के साथ साथ यहाँ पे हैश जरूर दे, ठीक है, या जीरो कीजिए। अगर हैश के जगह पे जीरो किया तो सिंगल करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर डबल जीरो करूँ तो क्या होगा, मैं 5 लिखूंगा तो 0 5 हो जाएगा, लेकिन डबल हैश में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? अब इसमें इसी में एग्जांपल में देखूं कि और क्या हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ 15 रुपये 30 पैसे, सॉरी 15 रुपये 30 पैसे। अब इसके ऊपर देखिए हम क्या कर रहे हैं, कस्टम में आ रहे हैं और यहाँ पे हम करते हैं इन्वर्टेड कमांड, यहाँ जीरो हैश और फिर यहाँ देते हैं इन्वर्टेड कमांड में रुपीज फिर डॉट 00 पैसे। ठीक है,
यहाँ पे डॉट थ्री हो गया, तो इसके आगे आप लास्ट में पैसे लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे इस तरह से देखिए, ओके। इसी तरह से अगर थाउजेंड सेपरेटर है, जैसे मुझे 65,000 लिखना है, लिखा है मैंने, लेकिन थाउजेंड सेपरेटर जनरली हम यहाँ से लगा देते हैं ना, तो यहाँ से थाउजेंड सेपरेटर ना लगे। यहाँ पे हम एक हैश देते हैं, एक कॉमा देते हैं, जस्ट एक हैश एंड कॉमा। जस्ट 65 शो कर रहा है, इसके आगे पीछे अगर कुछ लगाना है, जैसे मुझे के लगा देना है, तो ये देखिए 65 के आ जाएगा। ठीक है मैम, जी हाँ। तो कॉमा के लिए जैसे कॉमा लगा दीजिए, अगर आप उसको अमाउंट को थाउजेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब इसका यूज करते हैं इस कोड का। लेकिन सिर्फ विजिबिलिटी कन्वर्ट होती है, ओरिजिनलिटी नहीं, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल आपका वही 65,000 नहीं होगा, जैसे 2,000 मैंने ऐड किया 67 के आ गया ना, समझे कि नहीं मैम? बट मुझे के नहीं लगाना है, सिर्फ मैं चाह रही हूँ जो मैंने वैल्यू डाला है इसको, मतलब पहले दो डिजिट के बाद वो है। वो तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे थ्री डिजिट थ्री तीन टाइम लगा दीजिए तो आपका 65,000 शो कर जाएगा कॉमा के साथ। ठीक है ना, ठीक है। इसका इसका यूज जो हमारा होता है वो थाउजेंड को थाउजेंड सेपरेटर के तौर पर होता है। ठीक है, कॉमा लगा के छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई डे अपडेट पे आते हैं, अगर मैंने आज का डेट डाला तो इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो एक्सेल के अंदर जो डेट हमारा होता है, वो डेट जो होता है डीडी, देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में ये दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे मैं एक बार डी किया तो यहाँ पे 7 आया, क्योंकि आज का डेट 7 है इसलिए 7 आया। दो बार डाला तो 07 आया, सिर्फ डेट। तीन बार डाला तो आज सैटरडे है तो सैटरडे आया। चार बार डाला तो सैटरडे पूरा आया। ठीक है, ऐसी आप मंथ में दीजिए एमएम शॉर्ट, ऐसी आप वाई वाई कर दीजिए। अब इसको अपने हिसाब से जैसा मर्जी करना चाहे वैसा कर सकते हैं, कि यहाँ पे डैश डी लगा दिया तो आपको डी डी एम एम वाई वाई का फॉर्मेट है, आप जैसा मर्जी ऐसा इसको लगा सकते हो, जैसा मर्जी ऐसा आपका डेट उसी तरह से शो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो से टाइम की बात करें तो 10:20 और 30 सेकेंड का टाइम है। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एच एच एम एम एस एस, एच पर आवर, एम पर मिनट और एस पर सेकेंड। आप सेमी कोलन की जगह पे कॉमा डालें, डैश डालें, उस हिसाब से आपका वर्क करेगा। तो आप अपने हिसाब से जैसा जैसे आप डेट बना रहे उस हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है मैम, कर लीजिएगा ना आप। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे अभी आप इसको ओके करिए। अब यहाँ पे जैसे आपने जब टाइम लिखा, आपने एएमपीएम में लिखा था। हाँ, एएमपीएम करना लिखा ना, तो यहाँ पे आप एएम स्लैश पीएम कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे अब मुझे 6:30 शाम वाला डालना है, लेकिन मैंने एम पी एम भी डाला था, वो बाय डिफॉल्ट ए एम ही। हाँ, तो उसमें आपको 24 आवर का लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और एक बार इसमें कुछ 24 आवर फॉर्मेट में इसमें डालना है। हाँ, जैसे मुझे शाम के 8 बजे डालना है तो 20+ कर दीजिए, आ गया आपका। अब इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप स्लैश ए एम पी एम लगा दीजिए। ठीक है, हो गया। या कंट्रोल शिफ्ट हैश भी कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट भी कीजिएगा तो आ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट।
कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। और अगर मुझे टाइम माइनस करना तो भी हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ, हमने तो मैथ से हाँ हो जाएगा, वो ये चीज़ अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समझाएगा आपको। चिंता मत कीजिए, चलिए आगे बढ़े। अब आगे का जो ऑप्शन हमारा आता है वो आता है कि हमने डेट एंड टाइम कर लिया, अब आता है कंडीशंस। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कि एक एक है यहाँ पे प्रॉफिट और है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक मैं व्हाट्सएप वाला पेज बंद कर देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, यहाँ माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो प्लस में है और माइनस में, जो माइनस में है वो हमारा प्रॉफिट है लॉस है, और जो प्लस में है वो हमारा प्रॉफिट है और माइनस लॉस है, तो मैं शो करना चाहता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे अभी जैसे बताया आपको कि इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंटर मारा सारा प्रॉफिट में आ गया। अगर मैंने इसी में सेमी कॉलन लगाया और सेमी कॉलन लगाने के बाद लिख दिया लॉस, तो जो माइनस होगा उस पर लॉस होगा, समझे? हमने जीरो और हैश डाला नहीं इसलिए नंबर दिखेगा, अगर आपको नंबर भी चाहिए तो दोनों का आगे जीरो और हैश डाल दीजिए, प्रॉफिट का आगे जीरो या हैश जो भी डालना चाहे डाल दीजिए, अब जो है आपका नंबर भी दिखेगा। तो हमने कोड में क्या डाला, प्रॉफिट सेमी कॉलम में प्रॉफिट। फर्स्ट पोजीशन क्या होता है, पॉजिटिव के लिए होता है, सेकंड पोजीशन नेगेटिव के लिए होता है। अगर थर्ड पोजीशन में डालना चाहते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इनवर्टेड कॉमा में हमने कर दिया, तो ये जीरो का होता है। तो जो थर्ड पोजीशन पे कुछ भी डालते हैं सेमी कॉलम के साथ वो जीरो, अगर मान लीजिए जीरो यहाँ कर दिया तो जीरो को इंडिकेट करता है। चौथा जो पोजिशन होता है वो टेक्स्ट का होता है, चौथा पोजीशन जो है टेक्स्ट का होता है। यहाँ पे सेमी कॉलन में अगर हम यहाँ पे दे दिया डेटा नॉट फाउंड हुआ ना, तो अगर इसके अंदर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट आपका यहाँ जो भी टेक्स्ट होगा टेक्स्ट दिखेगा, जैसे यहाँ पे लाल दिया टेक्स्ट दिखेगा। तो जीरो और हैश जो होता है वो होता है नंबर्स के लिए, और टेक्स्ट के लिए होता है एट द रेट। हमें टैक्स भी शो करना है तो मैंने एट द रेट कर दिया, तो जो टैक्स हमें लिखेंगे वो टैक्स भी शो करेंगे, समझे? लास्ट वाला नहीं समझ में आया, ये आपने डेटा नॉट फाउंड लिखा ना वहाँ से भी। देखिए क्या है कि इसके इसमें चार इसके चार जब भी यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखते हैं ना, तो इसके चार पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो, और चौथा होता है टेक्स्ट। जीरो हैश नंबर को इंडिकेट करता है, एट द रेट जो है टेक्स्ट को इंडिकेट करता है। हाँ, क्योंकि अगर मैं एट द रेट ना डालूंगा तो ये एस एफ जो है शो नहीं होगा, एस एफ कब शो होगा जब इसके आगे एट द रेट डालूंगा। और चार सिक्वेंस है, उस सिक्वेंसली डाला जाता है, जिस सिक्वेंसली डाले जिसकी जरूरत हो डालिए, जिसकी जरूरत न ना डालिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए ना कि मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी नेम है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एम स्लैश एस करके नाम देना होता है, मैं चाहता हूँ एम स्लैश अपने आप लग जाए, तो यहाँ आईपीटी लिख दिया और हमने गया टेक्स्ट में, सॉरी कस्टम में गए और यहाँ पे हमने लगा दिया
इन्वर्टर का में एम स्लैश एस और इसके आगे लगा दिया एट द रेट, ठीक है। अब ये एट द रेट शो हो रहा है। उसी तरह से अगर एड्रेस है और मैं चाहता हूँ कि एड्रेस में मेरा लोकेशन सेम है, सबका लोकेशन सेम आ जाए, तो उस केस में एट द रेट यहाँ पे हम F1 यहाँ पे कर देते हैं, न्यू दिल्ली 01062, ठीक है, एंटर मार दिए। अब मैं यहाँ पे F02 करके यहाँ पर डाल, ओके मैम, क्या हमने लास्ट में डाल दिया, हमने हाँ हमने लास्ट में इन्वर्टर कॉमा में एड्रेस डाल दिया ना लास्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले डालोगे तो जैसे एम स्लैश एस को हमने पहले डाला तो पहले शो हुआ, हमने लास्ट में डाला तो लास्ट शो हुआ, ठीक है, क्लियर है। मतलब एट द रेट लगाने के बाद टेक्स्ट में कोई लिमिट नहीं रहती कि हमने इतना ही वर्ड डाला है और कैसे हम शो करना चाहते हैं वो आगे तो टेक्स्ट। जी जी जी। अब चलिए इसी पे आपको एक 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 प्रोजेक्ट हम दिखाते हैं करके, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। जैसे मैंने पिवट टेबल से एक एक रिपोर्ट निकाला हुआ है, मुझे एक डेटा आया। आप लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आप लोग अपना जो अटेंडेंस है वो एक्सेस कार्ड से यूज करते हैं, आप दूर ओपनिंग करने के लिए एक्सेस कार्ड या थंब का यूज करते हैं ना, तो बाहर निकलना होता है उसके लिए भी करते हैं। तो आपने कितना बार थंब का यूज किया है उसका डेटा हमारे यहाँ पे एडमिन टीम ने मुझे दे दिया कि आपने किस डेट को कितना बार एक्सेस यूज किया है या कितना बार आपने थंब को यूज किया है, समझे मैम। और जिस दिन आप यूज नहीं किया इसका मतलब उस दिन आप अब्सेंट। तो यहाँ पे जो है नंबर्स हैं वो नंबर्स मेरे पास क्या है कि उस दिन मैं प्रेजेंट था, जिस दिन जीरो है इसका मतलब उस दिन मैंने अपना एक्सेस कार्ड या थंब का यूज नहीं किया, इसका मतलब कि ये पर्सन उस दिन अब्सेंट थे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जीरो वाले को अब्सेंट और पॉजिटिव वाले को प्रेजेंट करना है, शो करवाना है। जैसे आपने यहाँ देखा कि इसके चार पार्ट है, पहला पॉजिटिव को, दूसरा निगेटिव को, तीसरा जीरो को और चौथा टेक्स्ट को यूज करता है। तो सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और यहाँ पे कर देंगे हम पी, इन्वर्टर कॉमा में पी, पहला पोजीशन किसका है, पॉजिटिव का है, जितने पॉजिटिव नंबर से सब पे पी आएगा, दूसरा पोजीशन निगेटिव का है, तो निगेटिव तो है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तीसरा जो होता है टेक्स्ट के लिए है तो हमने ए कर दिया, और चौथा हमारा क्या है, अच्छा माफ कीजिए, तीसरा जीरो के लिए है और चौथा टेक्स्ट के लिए है। तो टेक्स्ट की जरूरत नहीं है तो हमें सिक्वेंसली तीन तक जीरो तक ही चाहिए, हमने जीरो तक ले लिया। पी के बाद ये क्या डाला था, सेमी कॉलन है यहाँ पे, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, तो बीच में हमने कुछ डाला नहीं ना, क्योंकि इसको सिक्वेंसली लेके चलना है ना। तो बीच में आपको सेकेंड पोजिशन निगेटिव के लिए है, बट हमारे पास निगेटिव का कोई है नहीं, चीज निगेटिव आएगा नहीं और निगेटिव कोई रूल भी नहीं है, तो ब्लैंक शो हो रहा है, ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, लेकिन सेमी कोलन डाला ताकि कंटिन्यूएशन बरकरार है। ठीक है, ए यहाँ पे जीरो लेना चाहिए थे ना, तो हर जगह जीरो की जगह ए आ गया और पॉजिटिव की जगह पे नंबर्स की जगह पे पी है, पॉजिटिव से, ठीक है। अब मुझे इसमें ए भी करना है कि जो अब्सेंट है उसको कलर कर देना है, समझे। तो यहाँ हम कलर के लिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम दे देते हैं रेड, तो टेक्स्ट कलर हमारा रेड हो जाएगा, हो गया टेक्स्ट कलर रेड। लेकिन आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर रेड हो चाहे कुछ और कंडीशन हो, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। तो यहां पे मैं कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक फिनिश करता हूं, अगला टॉपिक हमारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं इसको पढ़ाते जा रहा हूँ, अगर जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा हो गया, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए तो वहाँ बोल दीजिएगा, हम स्टॉप कर देंगे क्लास को, ठीक है ना। तो कस्टम फॉर्मेटिंग समझ में आ गया आपको, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं।
अब कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज क्यों होता है मैं बताता हूँ, किसी कंडीशंस पे फॉर्मेट करना, किसी कंडीशंस पे अपना फॉर्मेट करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, मान लीजिए मैंने इस पर येलो कलर कर दिया, तो येलो कलर जो हुआ इस प्रोसेस को इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेल के अंदर वैल्यू क्या है। समझे, सेल के अंदर वैल्यू क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कंडीशंस पर, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50 वाली क्वांटिटी हाईलाइट हो जाए ताकि मुझे दिख जाए, मुझे खोजना ना पड़े, मुझे कंपेयर करना ना पड़े, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल्स रूल दिख रहा है, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, सारी चीज़ वन बाई वन पढ़ते हैं। ग्रेटर देन सेलेक्ट किया तो जो नंबर्स 0 से बड़ा 50 से बड़ा है वो यहाँ पे शो हो रहा, क्लियर है? अपटू का फॉर्मूला, हाँ इसमें अपटू नहीं होता ना, जैसे मुझे मैंने इसमें ग्रेटर देन 50 डाला तो यहाँ पे वो 51 से वैल्यू चेक करता है, और अगर मान लो हाँ वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं बताता हूँ उसके बताता हूँ एक बार क्वेश्चन देखिए सब बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमने 50 कर दिया तो 50 शो कर रहा है, कलर डिफॉल्ट शो कर रहा है, कलर खुद का चाहिए तो यहाँ पे आप येल्लो ले लीजिए, देखिए ग्रीन हो गया, रेड हो गया, रेड टेक्स्ट हो गया, और दिख रहा है ना आपको रेड बॉर्डर रह गया। तो इसमें अपना खुद का फॉर्मेट चाहिए तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ से अपनी जो फॉर्मेटिंग चूज करनी है वो फॉर्मेटिंग चूज कीजिए, आपका वो हाईलाइट हो जाएगा। हो गया, मैं फिलहाल इसको स्किप कर देता हूँ। और ये सिर्फ हाईलाइट ही नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैंने लेस देन 40 कर दिया तो ये चेक भी करता है कि कल के डेट में अगर कोई जैसे 42 है, अगर 38 हो गया तो हाईलाइट हो गया, और 33 अगर 43 हो गया तो हट जाएगा, तो चेक भी करते रहता है हमेशा। ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि आपका उस कंडीशन जैसे फुलफिल होगा कलर अप्लाई हो जाएगा, जैसे फुलफिल नहीं होगा वो कलर डिसअप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन इन तीनों में आप नंबर, टेक्स्ट, सॉरी नंबर्स एंड डेट एंड टाइम डाल सकते, टेक्स्ट में डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते ग्रेटर देन पूजा, ग्रेटर देन पूना, ऐसे नहीं कर सकते आप, लेकिन इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल वैल्यू होता है कि आप 66 को हाईलाइट करना है लेकिन 60 हाईलाइट हो गया, या मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है देव को तो यहाँ पे गया और यहाँ इक्वल टू हमने कर दिया देव, सिर्फ देव हाईलाइट हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या पर्टिकुलर डेट, मुझे मान लीजिए डेट को करना है 3 जैन को करना है, तो यहाँ इक्वल टू 3rd Jan 2020 हाईलाइट हो गया जी। इक्वल टू में हम कोई भी चीज डाल सकते हैं, मतलब नेम, टेक्स्ट भी और नंबर भी। हाँ, इसमें इक्वल टू में कुछ भी, टेक्स्ट, नंबर, डेट, टाइम, एनीथिंग जो सेल वैल्यू है। इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन, अभी इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए ना कि यहाँ पे नेम आपका यह है दिल्ली और कहीं कहीं पे है आपका न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपने अगर इक्वल टू यूज किया, अगर आपने दिल्ली किया तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, अगर आपने न्यू दिल्ली किया तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन दोनों तो एक ही शहर है क्या? उसके बाद आता है डेट ऑकनिंग। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिस्टम डेट डालता हूँ यहाँ पे करेंट का। अब मुझे इसमें अपने सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है, क्योंकि अगर मैंने इक्वल टू कर दिया आज का डेट, जैसे आज का डेट है हमारा 7, तो 7 तारीख हाईलाइट होगी, देखिए 7 तारीख हमेशा हाईलाइट नहीं होगा, समझ गए ना, तो 7 तारीख हमेशा हाईलाइट नहीं रहेगा। तो क्या करें इसके लिए, डेटा इसके लिए हम जो है अपना डेट ऑकरिंग का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ जाएंगे डेट ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या क्या देखिए, अगर मैंने इसको टुडे कर दिया तो आज का डेट हाईलाइट है, लेकिन ये आज का डेट हाईलाइट जो है जैसे कल मैं फाइल को खोलूंगा तो कल फाइल जो है कल जो फाइल होगा इसमें आप जो है आपका 8 तारीख हाईलाइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से टुमारो इन द लास्ट 7 days, दिस लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये सारे सिस्टम इसके। इसी में आपका आता है हाईलाइट डुप्लीकेट। अगर कोई सिलेक्टेड रेंज में अगर कोई नंबर्स कोई सेल वैल्यू मोर देन 1 टाइम है तो ये डुप्लीकेट हाईलाइट कर देता है। ठीक है, तो आपने इसमें समझ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑपनिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल लिया है कि हमने आज का डेट डाला आपने और आपने टुडे पे हाईलाइट किया, हमें कल जब मैं आऊंगी तो वो नेक्स्ट दिन टुडे के हिसाब से डालेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई फिल्टर है क्या? अभी जैसे मैंने 7 तारीख को टुडे में डाला है तो वो हाईलाइट रहे हमेशा, सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलेगा, वो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब कंडीशन नहीं डाल सकते कि जो हमने अभी डाल दिए जैसे आज टुडे के अकॉर्डिंग मैंने 3-4 डेटा पे मैंने कुछ कंडीशंस लगा दी वो आज कुछ है। तो टुडे है आपका ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू किस लिए तो यूज है बताया था आपको मैंने, इक्वल टू में भी थोड़ा पहले इक्वल टू बताया ना आपको मैंने, इसमें एक डेट डाला है ना हमने, एक डेट हाईलाइट किया था वो अपना सिस्टम डेट डाल दीजिए अपना। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े जी, चलो आगे बढ़ते। तो अब बात आती है यहाँ पे टॉप वर्ड, अगर टॉप 10 कर दिया तो देखिए जो टॉप 10 है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो टॉप 10 आपका यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे आइए बॉटम 10 है आपका, ये आपका बॉटम 10 हाईलाइट हो जाएगा। अब टॉप 10 परसेंटेज और बॉटम 10 परसेंटेज है ना, ये आपको परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो इसमें हम परसेंटाइल फॉर्मूला पढ़ाएंगे आगे क्लासेज में, तो वहाँ आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, पहले आपको परसेंटाइल को समझना होगा इसके लिए। सो अबव एवरेज, और सिलेक्टेड डेटा में एक एवरेज है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो सिलेक्टेड डेटा में आपको एक एवरेज दिखेगा 49, तो जो एवरेज से ऊपर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और बिलो एवरेज जो एवरेज से नीचे होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अबव एवरेज और बिलो एवरेज समझ में आ गया आपको? तो ये इसके बाद डेटा बार होता है, डेटा बार में क्या होता है कि बार क्रिएट कर देता है, क्योंकि बड़े बड़े डेटा बेसिस को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे आपका डेटा बार जो है वो फायदा होता है। बड़े नंबर्स जैसे कि आप पूरे कॉलम में मुझे पता करना है कि जो 20 है ये सेल क्या हायर में है, लोअर में या मिडल में है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन जब डेटा बार लगा दिया तो ये बार क्रिएट कर दिया, इसका मतलब कि लोअर में है, 77 हायर में आता है, 86 सबसे ज़्यादा हायर है, समझे?
डेटा अभी चलो 100 के अंदर में तो आपको इजीली समझ में आ रहा है ना, जब डेटा हजारों में आएगा लाखों में आएगा तो आँख से नहीं पता चलेगा ना, उस केस में ये इस तरह यहाँ पे इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े तो डेटा बार में यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक मिनट में अलग एक सीट पे दिखाता हूँ डेटा बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ हम जाते हैं डेटा बार में, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उस हिसाब का डेटा बढ़ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। समझे कि नहीं? कि वैल्यू देखने के लिए हम लोग कितना बड़ा वैल्यू है, कौन सा वैल्यू कितने में कॉल कर रहा है, उसकी डेटा वैल्यू। उसी में आपका कलर स्केल होता है, वो भी सेम वर्क करता है पर कलर से। स्केल में हाँ, जैसे अभी वो 1 to 10 में अपने डेटा बार लगाए थे तो पता चला था कि बड़ा लगा है, इसमें इसने कलर थोड़ी जो दूसरे रेड किए हुए। रेड जो हो गया वो आपका रेड हो गया लोअर का, हाँ। और जो ग्रीन हो गया वो हायर का, तो जितना ज़्यादा रेड उतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू, और जितना ज़्यादा जितना छोटी वैल्यू, और जितना ज़्यादा रेड है ग्रीन है वो उतना बड़ा है, रेड छोटा ग्रीन बड़ा, येल्लो जो है बीच का है। ठीक है मैम, और आपको क्लियर समझाना है तो आइकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन जो है आपको क्लियरली समझा देता है कि क्या है, समझ गए मैम? ये आपको क्लियर समझा रहा है कि है क्या। लेकिन यहाँ पे आइकन के कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने क्वार्टर वन ले लिया और यहाँ पे क्वार्टर टू ले लिया, क्वार्टर वन में 20 है, क्वार्टर टू में 30 सेल है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ हम सॉरी आइकन्स में आते हैं और यहाँ पे हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो छोटा भी छोटा का नहीं सर, बड़ा भी ना बड़ा नहीं, तो कंपेयरिंग के तो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अभी हमने लगाया जो भी फॉर्मेटिंग, ये था मोस्ट यूजेज, जो आप मोस्ट यूजली यूज करते वो मोस्ट यूजेज हुआ। लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या है कि मैन यहाँ पे होता है मोर रूल्स एंड न्यू रूल्स। जब आप मोर रूल्स पे जाते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट करके मोर रूल्स पे गए, तो मोर रूल्स पे आपको जो है इससे आगे मिलता है। जैसे आपने ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जैसे आपने बोला था 50 से करूँगा तो 50 नहीं 51 को हाईलाइट करेगा। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ले लें, यहाँ पे 50 कर दें तो 50 से हाईलाइट करेगा फिर, समझे? सेल वैल्यू के लिए हमें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, सिलेक्शन पहले करना होगा, जब तक सिलेक्ट जहाँ जो एरिया सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग वही पर अप्लाई होगा। और अभी जैसे मेरे पास अभी जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा है, कस्टम में जाकर मैं वो पी और एल लिख लूंगी तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके दिखा दूंगा ना इन्वर्टेड कॉमा में। जी जी जी, उसके बाद इसमें इसमें आपका हो गया, इसमें यहाँ पे टेक्स्ट होता है। अगर टेक्स्ट करोगे तो आपने वहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेनिंग किया था ना, यहाँ पे देखिए नॉट कंटेनिंग बिगेन भी। जैसे मान लीजिए कि आपका दिल्ली स्टार्ट में होना चाहिए, दिल्ली रोड, दिल्ली किला, इस तरह का अगर कुछ चाहिए आपको ना दिल्ली से स्टार्ट हो तो बिगेन भी, एंड भी दिल्ली से खत्म होना चाहिए, न्यू दिल्ली या दिल्ली, दिल्ली रोड, दिल्ली क्लब, ऐसे हाईलाइट नहीं होना चाहिए तो हम एंड बिथ कर लेते। डेट ऑफिंग सेम है, ब्लैंक आप ब्लैंक को हाईलाइट कर लेते हैं, नो नो ब्लैंक हो जाए, एरर एरर पे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने हैश एन ए कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डाल देता हूँ मैं,
ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट करता हूँ, कस्टम कस्टम माफ कीजिएगा, ये चलेगा यहाँ पे, यहाँ पे न्यू रूल्स और यहाँ पे एरर्स। हमने क्या किया कि इसकी फॉन्ट कलर को वाइट कर दिया, तो पीछे की बैकग्राउंड कलर वाइट है तो फॉन्ट कलर भी आपका वाइट हो गया, दिखेगा नहीं सर। तो इस तरह से छुपा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग लगानी, अपने हिसाब से देखिए सारे फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए क्लियर एंटायर शीट कर दीजिए क्लियर रूल्स में, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि MRP एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि MRP एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अगर इसका जो क्वांटिटी MRP जब मल्टीप्लाई होगा और उसका जो रिजल्ट जो है थाउजेंड से नीचे वो हाईलाइट हो जाए, तो क्वांटिटी MRP मल्टीप्लाई अगर थाउजेंड से नीचे है तो हमारा ये पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो जाए। आगे बढ़े। तो बैटरी चला गया था, लगाया तो फिर वो बीच में से कोड निकला जाता था। तो जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर क्वांटिटी और MRP को हम मल्टीप्लाई करें और इसका इसका जो टोटल है अगर टोटल थाउजेंड से नीचे आए तो पूरा, हाँ थाउजेंड से अगर ऊपर नीचे हो तो पूरे का पूरा रो हाईलाइट हो जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसमें फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं, हम क्या लगा रहे हैं? फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, पूरा सीट को नहीं। न्यू रूल्स पे आते हैं और यहाँ हम यूज फॉर्मूला पे आते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ टू, यहाँ ध्यान रखिएगा आप इक्वल प्रेस करके मैनुअल लिखिएगा सही रहेगा, अगर आप सेलेक्ट क्लिक कर देते हैं तो आपको डॉलर साइन हटाना पड़ेगा यहाँ से। इज लेस दैन इक्वल टू 500 और डॉलर साइन हटाइएगा सिर्फ रो के आगे का हटाइएगा, कॉलम का आगे मत हटाइएगा, जो करेक्टर का आगे मत हटाइएगा। और फिर हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया देन ओके। हमें ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया, न्यू रूल्स पे गए, फॉर्मूला को सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मूला डाला कि एफ टू मल्टीप्लाई बाई जी टू इज लेस देन इक्वल टू 500। फिर फॉर्मेट पे जाके हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ओके किया। बट ये अप्लाई सिंगल सेल पे हुआ है तो फॉर्मेट प्रिंटर से लीजिए और सिंगल सेल को अपने पूरा डेटा पे डाल दीजिए। अब जहां जहां, एक मिनट, सॉरी हमने कुछ गलत किया है तो इसको सिलेक्ट करके वापस चेंज करते हैं। मैंने जूल्स डबल क्लिक कीजिए, हमने 500 कर दिया, हमें 1000 करना चाहिए था, तो उससे मिला ही नहीं, मीट ही नहीं हुआ। अप्लाई है, देखिए जहाँ जहाँ 1000 से नीचे था पूरा होला रो हाईलाइट हो गया ना, समझ में आया आपको कि मैम की नहीं गरिमा जी? इस तरह की बहुत सारे फॉर्मूले हम डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डालता हूँ, अगर अकाउंट नंबर अगर टेक्स्ट हुआ तो हाईलाइट हो जाए, तो अकाउंट नंबर टेक्स्ट हुआ है कैसे पता चलेगा, इज टेक्स्ट फॉर्मूले से, अगर इसमें नंबर होगा तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, अगर टेक्स्ट होगा तो ट्रू आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि सेम फॉर्मूला न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला और यहाँ इक्वल टू इज फॉर्मूला, सॉरी इज टेक्स्ट होगा, माफ कीजिएगा, इज टेक्स्ट जो है डालेंगे ए टू और उसके आगे ट्रूथ, क्योंकि ये चलता है ट्रू फॉल्स पे और इज टेक्स्ट ऑलरेडी ट्रू फॉल्स ही रिजल्ट देता है तो हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है आगे। यहाँ की क्या बोले, हाँ हमने रेफरेंस डाला, जब नीचे ड्रैग किया तो जैसे पेज से फॉर्मेट का यूज होता है ना उस तरह से यूज हुआ और रेफरेंस चेंज हो गया, समझे? जो लेकिन दो कंडीशनों तब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ मोबाइल नंबर को करना है और मैं चाहता हूँ जो मेरा मोबाइल नंबर है वो हमारा हाईलाइटेड हो जाए अगर 10 डिजिट से कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ लेन फॉर्मूला लगाएंगे तो बताएगा कि आपने कितना डिजिट टाइप किया हुआ है, ठीक है? कितना डिजिट डाला हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लेन जो है 0 को भी देता है, तो नॉट इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर 10 दिया तो ये आपका ये ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि 0 भी तो नॉट इक्वल टू 10 है, तो यहाँ दो कंडीशन देने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स पे गया यूज फॉर्मूला और यहाँ पे हमने इक्वल किया इज टेक्स्ट, माफ कीजिएगा इज टेक्स्ट नहीं एंड 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 में हमने लगाया फॉर्मूला लेन का और लेन में हमने सेलेक्ट किया ई टू इज नॉट इक्वल टू 10 और अगेन हमने E2 दिया नॉर्मली बोला ग्रेटर देन 0, समझे? तो दो कंडीशन जब हो तो एंड का, जब दो कंडीशन रिक्वायर हो कि दोनों होना चाहिए तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं दो से दो या दो से ज़्यादा, दो पे फिक्स नहीं कि दो ही होगा, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है? ओके कीजिए एंड फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे पेंट कीजिए। अब जैसे कोई गलत नंबर डाल जाएगा हाईलाइट हो जाएगा,
लेकिन ऐसे मान लीजिए मैं डे लिखा हुआ है, सैटरडे एंड संडे, आप चाहते हो सैटरडे संडे दोनों हाईलाइट हो जाए, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम एंड नहीं लगा सकते, दो कंडीशन तो है, तो मुझे एंड या और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे और चूज करेंगे, क्योंकि एक सेल में या सैटरडे होगा या संडे होगा, लेकिन सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा जब भी फॉर्मूला यूज करें सिंगल सेल से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने और किया और यहाँ पे हमने लगाया G2 कि G2 इज ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू सैटरडे, फिर वापस G2 इक्वल टू संडे, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर में आइए और अपने हिसाब से जो पेंट करना है पेंट कर दीजिए, ओके एंड नीचे की तरफ ट्राई कर दीजिए। इस तरह से और भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि अभी तक हमने फॉर्मूला कवर नहीं किया, जब मैं फॉर्मूला कवर करूंगा तो और दो तीन एग्जांपल आपको दे दूंगा इसका, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये आपको समझ में आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब तीसरा जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है प्रोटेक्शन, तो आगे करेंगे या फिर ब्रेक लेंगे? बस 5 मिनट का ब्रेक ले सकते। क्या? हाँ जी 5-7 मिनट का ब्रेक ले सकते नहीं क्योंकि आपके पास दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं तो आगे हम फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन का भी टॉपिक कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने से मतलब नहीं है ना, मतलब तो इसको कैच करने से ना, तो आज रहने देते हैं, आप उसको कैच कीजिए फिर हम आगे कर लेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ओके मिलते हैं मंडे को।